नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम को करारी हार मिली। पहले बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल के शतक और ऋषभ पंत के तूफानी अर्धशतक के दम पर टीम इंडिया ने 336 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। इंग्लैंड ने सिर्फ 4 विकेट गंवाकर 43.3 ओवर में ही जीत का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही मेहमान टीम ने भी सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। अब निर्णायक मुकाबले में ODI सीरीज की जंग होगी। आपको बता दें, दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 28 मार्च को पुणे में खेला जाएगा। जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने 336 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन फिर भी उसका बचाव नहीं कर पाई, टीम इंडिया के गेंदबाजों के सिर्फ 3 इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट करने में सफलता मिली। इस मैच में मिली हार के बाद विराट कोहली कप्तानी पर भी सवाल खड़े हो गए थे। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किए, कुलदीप यादव को लगातार छक्के पड़े। इसके अलावा कुणाल पांड्या पर भी जमकर रन बरसे। टीम इंडिया के बैटिंग अप्रोच पर भी काफी सवाल उठे। बीच के ओवरों में विराट कोहली और केएल राहुल ने काफी धीमी बल्लेबाजी की, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। अंतिम ओवरों में टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, तब कहीं जाकर टीम 336 तक पहुंच पाई। जिस तरीके की फ्लैट पिच थी, 370 का टारगेट कम से कम इंग्लैंड को देना होता, लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजों की धुनाई हुई, उसने टीम प्रबंधन को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। मैच के दौरान बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड टीम 40 ओवर से पहले ही मैच खत्म कर देगी। भारतीय गेंदबाजों को मैदान के हर कोने पर छक्के पड़े। इंग्लैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों को 20 छक्के ठोके थे। विराट कोहली को सीरीज जीतने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि आने वाले वर्ल्ड कप के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें, मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। दोनों वनडे मैच में टॉस की भूमिका ज्यादा नहीं रही है। बल्लेबाजों के लिए पिच स्वर्ग है, वहीं गेंदबाजों के लिए नर्क। तीसरे मैच में भी जमकर रन बरसने की पूरी उम्मीद है। मैच के दिन तापमान की बात करें तो 37 डिग्री के आसपास तापमान रहने वाला है, वहीं बारिश का कोई अनुमान नहीं है। मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।